नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ वीडियो लेक्चर में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स में विषय अर्थशास्त्र, जेमा विद्यार्थी मित्रों आपणे चेप्टर नंबर 6 बजार विषे अभ्यास करी रह्या छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगळना लेक्चर में आपणे बजारनुं जे वर्गीकरण करवामां आव्युं हतुं ए ज वर्गीकरण में स्थान आधारित बजारनुं वर्गीकरण, जत्था आधारित बजारनुं वर्गीकरण अने हरीफाई आधारित बजारनुं वर्गीकरण। तो विद्यार्थी मित्रों, आवी रीते एटले के आ त्रण रीते बजारनुं वर्गीकरण करवामां आवे छे अने ए ज वर्गीकरणमां विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळना लेक्चरमां जे हरीफाई आधारित बजारना जे बे प्रकारों जोवा मळे छे ए बे प्रकारों विशे अभ्यास कर्यो हतो, जेमा पूर्ण हरीफाई अने अपूर्ण हरीफाई। तो विद्यार्थी मित्रों, आगळना लेक्चर में आपणे पूर्ण हरीफाई एटले शुं, तेमनी व्याख्या, तेमना तमाम लक्षणों विशे अभ्यास कर्यो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वक्त आपणे ए वात विशे थोड़ी घणी माहिती मेळवीए अने त्यारबाद आजना अभ्यासनी शुरुआत करिए। तो विद्यार्थी मित्रों, पूर्ण हरीफाई के ज्या पेढ़ीओनो अंकुश होतो नथी, ज्या मोटी पेढ़ीओ जोवा मळती नथी, एक ज समान एक सरखी गुणवत्ता धरावती वस्तुओ माटे अनेक पेढ़ीओ एक ज बजार मां होय, तो तेवी बजार ने पूर्ण हरीफाई वाली बजार तरीके ओळखवामां आवे छे। आवी बजारमां विद्यार्थी मित्रों असंख्य खरीदनाराओ अने असंख्य वेचनाराओ आपणने जोवा मळे छे। आवी बजारमां विद्यार्थी मित्रों वस्तुओ छे ए वस्तुओ समान गुणवाळी एक सरखी वस्तुओ आपणने जोवा मळे छे। आवा बजारमां एटले के पूर्ण हरीफाई वाला बजारमां पेढ़ीओ मुक्त रीते अवर जवर एटले के मुक्त रीते पेढ़ी बजारनी अंदर प्रवेश करी शके छे अने मुक्त रीते एज पेढ़ी त्यांथी निकली पण शके छे। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों, पूर्ण हरीफाई वाला बजार मां बजार विशेनुं ज्ञान होवुं जरूरी छे। आवा बजारमां टकी रहेवा माटे उत्पादनना जे साधनों छे ए साधनों संपूर्णपणे गतिशील जोवा मळे छे अने त्यारबाद पूर्ण हरीफाई वाला बजारमां वाहन व्यवहारनो खर्च गणवामां आवतो नथी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तमाम लक्षणों पूर्ण हरीफाई वाला बजारमां जोवा मळे छे, जेमनो विगतवार अभ्यास आपणे आगळना लेक्चरमां करी चूक्या छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वक्त आजे आपणे हरीफाई आधारित बजारनुं जे वर्गीकरण करवामां आव्युं छे ए ज वर्गीकरणमां विद्यार्थी मित्रों आपणने बे रीते वर्गीकरण जोवा मळे छे, एक पूर्ण हरीफाई वाळुं अने एक अपूर्ण हरीफाई वाळुं बजार। तो विद्यार्थी मित्रों, पूर्ण हरीफाई वाला बजार विशे आपणे अभ्यास आगळना लेक्चरमां कर्यो हतो अने हवे आजे आपणे अपूर्ण हरीफाई वाळुं बजार छे तेमना विशे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अपूर्ण हरीफाई वाला बजारमां विद्यार्थी मित्रों खास करीने सौप्रथमो पहेला इजारो आपेलो छे, इजारा पछी आपणने इजारायुक्त हरीफाई आपेली छे अने अल्प हस्तक इजारो आपेलो छे। तो सौप्रथम पहेला आपणे इजारा विशे माहिती मेळवानी छे, तेमनी व्याख्या, तेमना लक्षणों अने एज माहिती अने एज अभ्यास उपरथी आपणे इजारो कोने कहेवाय,
कई रीते बजार में प्रस्तावित थाय छे, आ तमाम बाबतोनी जानकारी माटे हवे आपणे इजाराना जे लक्षणों छे ए लक्षणों पण जोवाना छे अने तेमना अर्थ अने व्याख्या साथे तेमनो अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम पहला आपणे इजारा विषे थोड़ी घणी माहिती मेळवीए। तो प्रतिष्ठ अर्थशास्त्रीओए बजारना बे विरुद्ध दिशानी अंदर अंतबिंदु तरीके पूर्ण हरीफाई अने शुद्ध इजारानी चर्चाओ करी छे। शुद्ध इजारो एक काल्पनिक बजार छे। वास्तव में अर्थतंत्रना इजाराना प्रकारो जोवा मळे छे ते अशुद्ध इजारो छे। विद्यार्थी मित्रों, खास करीने अपना प्रतिष्ठ एटले के अपना जे ख्यातनाम अर्थशास्त्रीओ छे ए अर्थशास्त्रीओए बजारना बे विरुद्ध दिशानी अंदर एक बिंदु तरीके पूर्ण हरीफाई अने बीजू शुद्ध इजारो आवुं आपणने दर्शावे छे। हकीकते शुद्ध इजारो आपणे जे विचार करीए छीए, शुद्ध इजारो ए बजार माटे एक काल्पनिक बाबत छे, बजार माटे एक काल्पनिक बाबत छे। हकीकते आपणा अर्थतंत्रमां इजाराना जे प्रकार जोवा मळे छे ते आपणने अशुद्ध इजारो जोवा मळे छे। विद्यार्थी मित्रों, बजारमां आपणने घणी बधी परिस्थितिओ छे, ए परिस्थितिओने आधीन रहीने आपणे वेपार करवानो होय छे, वस्तुओनुं वेचाण करवानुं होय छे। तो ए ज वेचाण आपणे जे बजारमां करीए छे ए बजारमां आपणने शुद्ध बजार अशुद्ध बजार आवी बजारो आपणने जोवा मळती होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, मोटा भागे लगभग शुद्ध बजार क्यांय जोवा मळती नथी, ए मात्र ने मात्र एक काल्पनिक छे। જ્યારે અશુદ્ધ બજાર દરેક જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે। ફરી એક વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇજારાને અંગ્રેજીમાં મોનોપોલી કહે છે, કંઈક મોનોપોલી, કંઈક ખાસિયત, કંઈક આવડત। તો આ જે ઇજારો છે એ ઇજારાને અંગ્રેજીમાં મોનોપોલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ગ્રીક ભાષા ઉપરથી આ શબ્દ ઉતરી આવ્યો છે, જેમાં મોનોસ અને પોલિયન એ બે શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે, જેને આપણે મોનિયનનો અર્થ એક અને પોલિયનનો અર્થ વેચનાર થાય છે। આમ મોનોપોલી અર્થ એક વેચનારનું બજાર થાય છે। ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોનોપોલી આવડત ધરાવનાર પેઢી પોતાનું વર્ચસ્વ બજાર ઉપર જમાવી અને પોતે ધારે તે પ્રમાણે વસ્તુઓનું વેચાણ કરી પોતે જે કિંમત ધારે એ કિંમત મેળવી શકે, તો તેવા બજારને ઇજારાયુક્ત બજાર અથવા તો ઇજારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને અંગ્રેજીમાં મોનોપોલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલા અભ્યાસ ઉપરથી હવે આપણે ઇજારાની જે વ્યાખ્યાઓ છે એ વ્યાખ્યાઓ આપણને અલગ અલગ બે અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એ અર્થશાસ્ત્રીઓએ આપેલી છે એ વ્યાખ્યાઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। અને એ જ અભ્યાસ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે ઇજારો એટલે શું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે વસ્તુનો પુરવઠો એક જ પેઢી છે એ પેઢીનો અંકુશ હોય તો તેને ઇજારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બજારની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ આપણને મળતી હોય એ વસ્તુ ઉપર એક જ પેઢીનો અંકુશ હોય તો તેને ઇજારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તેના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા બધા પરિબળો જવાબદાર હોય છે, કારણ કે હરીફાઈવાળું વાતાવરણ, એ પેઢી જે વસ્તુ જે ગુણવત્તા જે પ્રમાણે ખાસ કરીને વસ્તુઓનું વેચાણ કરે જેથી કરીને એનો ઇજારો ઊભો થાય છે, અને એની જેમ ત્યાં કોઈ મોટી પેઢી અથવા તો એ પેઢીની જેમ કોઈ વેચાણ કરી શકતી નથી। તો ટૂંકમાં કોઈ પણ એક પેઢીએ પોતાનું પ્રભુત્વ, પોતાનો અંકુશ બજાર ઉપર પ્રસ્તાવિત કર્યો હોય
तो तेवा बजार ने इजारा तरीके ओळखवामां आवे छे। आ व्याख्या विद्यार्थी मित्रों आपने चेम्बरलिन नामना जे अर्थशास्त्री छे ए अर्थशास्त्रीए आ व्याख्या आपने आपेली छे के कोईपण वस्तु होय ए वस्तुनो पुरवठो एक ज पेढ़ीनो अंकुश होय तो तेने इजारा तरीके ओळखवामां आवे छे। अने त्यार बाद आपणे प्रोफेसर स्टिगलर एमने पण इजारानी जे व्याख्या आपी छे ई व्याख्या आपणे जोईए। वस्तुनो एक ज वेचनार होय तो तेने इजारा तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों एक बजार होय अने सामान्य रीते तमे पण घणी बधी बजारमां कोई पण वस्तुओ खरीदवा माटे गया ज हशो अने बजार विशे संपूर्णपणे तमने माहिती हशे। तो विद्यार्थी मित्रों बजारमां सामान्य रीते घणी बधी पेढ़ी एटले के घणा बधा वेपारी आपणने जोवा मळे छे अने घणा बधा खरीदनार ग्राहको आपणने जोवा मळे छे। परंतु वास्तवमां विद्यार्थी मित्रों ज्यारे आपणे इजारा विशे माहिती मेळवी होय तो ए ज इजारानी सामान्य माहिती मेळवीए तो आपणे मात्र ने मात्र एटलू ज याद राखवानुं छे कि एक एवी बजार के आ बजारनी अंदर पेढ़ी एक ज अने खरीदनार अनेक आवा प्रकारनी जे बजार जोवा मळे ते परिस्थितिने आपणे इजारा तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ तमाम अभ्यास उपरथी आपणे इजाराना जे लक्षणो छे ए लक्षणो विशे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे इजाराना जे लक्षणो छे ए लक्षणो विशे अभ्यास करशुं तो ए अभ्यास उपरथी तमने आपोआप ख्याल आवी जशे माहिती मळी जशे के इजारो कोने कहेवाय कई रीते इजारो बजारमां जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ तमाम प्रकारनी माहिती मेळवा माटे हवे आपणे इजाराना जे लक्षणो छे ए लक्षणो विशे अभ्यास करवानो छे। तो सौ प्रथम पहेलू ज लक्षण विद्यार्थी मित्रों आपणने अहींया जोवा मळे छे एक ज उत्पादक के वेचनार अने असंख्य खरीदनार। हमणां ज आपणे वात करी हती के बजारमां एक एवी वस्तुनुं वेचाण थतुं होय के ए वस्तुनुं वेचाण करवा माटे मात्र पेढ़ी केटली होय एक ज होय परंतु तेज वस्तु खरीदवा माटे जे ग्राहक होय ई ग्राहक असंख्य होय तो ज्यारे असंख्य ग्राहकोनी साथे एक ज पेढ़ी त्यां पोतानी वस्तुओनुं उत्पादन करी अने वस्तुओनुं वेचाण करती होय तो तेने इजारा तरीके ओळखवामां आवे छे। अने इजारानुं प्रथम लक्षण ज आपणने जोवा मळे छे के पेढ़ी एक वेचनार एक उत्पादक एक परंतु खरीदनारा असंख्य जोवा मळे छे। तो आवी पेढ़ी पोतानो अंकुश बजार उपर प्रस्थापित करे छे स्थापित करे छे अने ए पेढ़ी वस्तुनी किंमत जे नक्की करे तेज वस्तुनी किंमत तेने चूकवा माटे दरेक ग्राहके तैयार रहेवू पड़े छे कारण के ए पेढ़ी जे वस्तुनुं वेचाण करे छे ते वेचाण बीजी कोई पण पेढ़ी करी शके तेम होय नहीं एटला माटे। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों आपणने अहींया एक ज उत्पादक के वेचनार द्वारा असंख्य खरीदनार जोवा मळे जे बजारमां तेवी बजारने इजारावाळी बजार तरीके ओळखवामां आवे छे। आवी बजारमां वस्तुनी किंमत ग्राहक नहीं
बीजा लोको नहीं, परंतु एज पेढ़ी मालिक वस्तु की किंमत नक्की करे, कारण के पेढ़ी पण एक है और वस्तुनु उत्पादन करनार संस्था एटले के पेढ़ी अथवा तो एकम पण एक है, बीजी कोईपण पेढ़ी तेनी साथे हरीफाई में नहीं। जारे आपणी साथे अथवा तो आपणी सामे कोईपण हरीफाई में न हो त्यारे आपणे आपणी वस्तु की किंमत कोई पण लई शकीए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे एक काल्पनिक उदाहरण जोवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे मोटरसाइकलनी वात करीए, बाइकनी वात करीए, के ज्यारे एक ज कंपनी, धारो के एक्टिवा छे, ई एक्टिवा कंपनी एनी साथे बीजो कोई न होय अने मात्र ने मात्र एक्टिवानी जे कंपनी छे ए कंपनी एक्टिवानुं उत्पादन करती होय, तो एना विरुद्ध में जारे बीजी कोईपण कंपनी नहीं हो त्यारे एक्टिवाना जे कंपनी एनी जे पेढ़ी छे ए पेढ़ी बजार माथी ग्राहक ने ए एक्टिवा खरीदवा माटे कोईपण किंमत नक्की करशे, ए किंमत देवा माटे तैयार थई जशे। शुं काम? एवी ज गुणवत्तावाळी समान गुणी वस्तुओ बीजा कोईपण पेढ़ी पासे अस्तित्वमां नथी। तो विद्यार्थी मित्रों आवा तो घणा बधा उदाहरणो होई शके जीवन जरूरियातनी वस्तुओ माटे, मोज शोखनी वस्तुओ माटे, खास करीने उपयोगी वस्तुओ होय ए उपयोगी वस्तुओ माटे, अमुक प्रकारनी सेवाओ माटे, ज्यां आपणने कोईपण एक पेढ़ी पोतानी मोनोपोली धरावती होय, पोतानी खास प्रकारनी आवडत द्वारा वस्तुओनुं उत्पादन करी त्यां वेचाण करवा माटे जाए त्यारे पोतानुं प्रभुत्व जमावेलुं होय छे, अने सामे पक्षे बीजा कोईपण उत्पादक अने वेपारी तेनी सामे जोवा मळता नथी। नजीकनी अवेजी वस्तुनो अभाव पछीनुं लक्षण, इजारो क्यारे ऊभो थशे ज्यारे कोईपण पेढ़ी कोईपण वस्तुनु वेचाण करशे एज वस्तु तेनी समान बीजी वस्तु अथवा तो अत्यार तो विद्यार्थी मित्रों लगभग आवी बजार आपणने जोवा बहु ओछा भागे मळे छे, कारण के एक ज प्रकारनी सरखी वस्तु बनावती घणी बधी कंपनीओ आपणने जोवा मळे छे। परंतु आपणे अहींया अर्थशास्त्र विषयनी अंदर इजारा विषय अभ्यास करवानो छे, ए माटे आपणे अभ्यास करी रह्या छीए, अने घणी बधी बजारो एवी पण होय छे कि ज्यां पेढ़ी पोतानो इजारो जमावीने बेठा होय छे, एटला माटे आ तमाम बाबतनो अने आपणे कॉमर्स विभागनी साथे एक वाणिज्यनी सहायक सेवाओ अने वाणिज्य साथे आपणे संकळાયેલા હોય ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમામ બાબતની જાણકારી આપણી પાસે હોવી જરૂરી છે। એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે નજીકની અવેજી વસ્તુનો અભાવ હોય ત્યારે પણ ઇજારો ઉપસ્થિત થાય છે। શું કામ? આપણે જે વસ્તુઓ છે એ વસ્તુઓનું વેચાણ કરીએ છીએ, એ વસ્તુનું વેચાણ કરીએ અને આપણે ધારીએ તે કિંમત લઈ શકીએ છીએ, આપણે જે કિંમત ધારેલી હોય તે કિંમત આપણે લઈ શકીએ છીએ। એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇજારો ક્યારે ઊભો થશે? કે જ્યારે એ વસ્તુની નજીકની બીજી વસ્તુ પણ આપણને મળી શકે તેમ નહીં હોય ત્યારે ઇજારો પ્રસ્તાવિત થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને આપણે એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ જોઈએ અને એ જ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે ઇજારાનું મહત્ત્વનું લક્ષણ, નજીકની અવેજી વસ્તુનો અભાવ છે એ અભાવ વિશે માહિતી મેળવીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે એક રેલગાડીનું ઉદાહરણ લેવાનું છે, કે ધારો કે એક રેલગાડી છે એ 4 વાગે એક જ સમયે તે મહુવાથી સુરત નીકળશે, 4 વાગે ક્યારે? મહુવાથી સુરત નીકળશે, ત્યારબાદ 4 વાગ્યા પછી આપણને સીધી તે ગાડી સુરત જવા માટે પછીના દિવસે મળશે, કલાક પછી, 2 કલાક પછી અથવા તો 3 કલાક પછી બીજી કોઈપણ ગાડીની વ્યવસ્થા આપણને મળશે નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 વાગ્યાની જે રેલગાડી છે એ રેલગાડી શું ધરાવશે? ઇજારો ધરાવશે। શું કામ? કારણ કે પછીનો એનો નજીકની અવેજી એટલે કે નજીકની થોડાક સમય પછીની એક પણ રેલગાડી ત્યાં અસ્તિત્વમાં નથી। તો ગ્રાહકે ફરજિયાત નો છૂટકે આમાં જે કિંમત હશે, ટિકિટ હશે, એ ટિકિટ ચૂકવવી અથવા તો ત્યાં વ્યવસ્થા નહીં હોય, છતાં ગમે તેમ કરીને તેમાં બેસી અને તે રેલગાડીમાં જવું પડશે। તો આવી રીતે જ્યારે
नजीकनी अवेजी वस्तुओनो पण अभाव होय त्यारे आपणने इजारो वधारे पड़तो जोवा मळे छे। पछीना पॉइंट पर विद्यार्थी मित्रों आपणे जवानुं छे नवी पेढ़ीओना प्रवेश पर अंकुश। इजारायुक्त बजारमां नवी पेढ़ीओ, इजारायुक्त हरीफाईमां विद्यार्थी मित्रों नवी पेढ़ीओ छे ये पेढ़ीओ प्रवेश पर अंकुश होय छे। आवुं शा माटे? खास करीने विद्यार्थी मित्रों आवी बजारमां आपणने विविध प्रकारना इजाराओ जोवा मळे छे। इजारानो अर्थ एटले के उत्पादक के वेचनारनुं अस्तित्व बजारमां। बजारमां इजारो तोड़वो शक्य होय छे, तेम छतां ते सरळ प्रक्रिया नथी। विद्यार्थी मित्रों बजारमां इजारो तोड़वो शक्य छे परंतु सरळ नथी। बजारमां कोई पण एक पेढ़ी पोतानुं प्रभुत्व जमावेलुं होय छे तो ए पेढ़ी ने पोतानुं प्रभुत्व जमावा माटे अथवा तो तेने तोड़वा माटे तोड़ी शकीए, परंतु बीजी पेढ़ी ते काम करी शके तेटलुं सरळ पण नथी। आ पेढ़ी धारो के अहींया इजारो धरावे छे तो ए ज इजारो बीजी पेढ़ी आवीने तोड़ी शके परंतु सरळ नथी। विद्यार्थी मित्रों खास करीने मोबाइल कंपनी अने एमां पण खास करीने मोबाइल फोन होय छे एनी अंदर जे सीम कार्ड चाले छे तेनी जे सुविधा अने सर्विस होय छे ए सर्विसनी अंदर हमणां ज आपणे जोयुं हतुं के पेला घणी बधी कंपनीओ छे ए आपणने मात्र ने मात्र आपणे एक नेटनुं उदाहरण लईए तो विद्यार्थी मित्रों नेटनी आपणे वात करवानी छे अने तेना उपरथी तमने ख्याल आवशे के पेढ़ी पोतानुं प्रभुत्व कई रीते जमावे छे। तो पेला घणी बधी कंपनीओ अस्तित्वमां हती, એ કંપની ખૂબ જ મોટી કિંમત લઈ અને એક મહિના માટે આપણને 1 GB અથવા તો 2 GB નેટ આપણને આપતા હતા, પરંતુ એક એવી પેઢી, એક એવી કંપની અસ્તિત્વમાં આવી, એ કંપનીએ પોતાનું વર્ચસ્વ ઇજારો ત્યાં જમાવ્યો અને તેના કારણે દરેક કંપનીએ તેની જેવો જ વ્યવહાર કરવો પડ્યો અને તેની જેવી જ સુવિધાઓ એ જ કિંમતે આપવી પડી। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પેઢી અત્યારે શું કહેવાય તો કે પોતાનો ઇજારો ધરાવે છે અને એ જ ઇજારાની સાથે તે પેઢી પોતાની તમામ સેવાઓ આપે છે। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને નવી પેઢી છે એ પેઢીઓના પ્રવેશ પર અંકુશ ઇજારાયુક્ત બજારની અંદર આપણને જોવા મળે છે, કારણ કે ત્યાં વસ્તુઓનું વેચાણ, આવડત, કળા, કૌશલ્ય, જ્ઞાન, અનુભવ આ તમામ પાસાઓ દરેક પેઢી પાસે હોવા જોવે અથવા તો પ્રવેશ માટે અવરોધક રૂપ બનતા હોય છે। એટલા માટે ઇજારાયુક્ત બજારમાં નવી પેઢીઓના પ્રવેશ ઉપર અંકુશ જોવા મળે છે। પછીના પોઈન્ટ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જવાનું છે કિંમત અથવા તો વેચાણ પર કાબૂ। ઇજારાયુક્ત હરીફાઈમાં, ઇજારાવાળી બજારમાં, આ જે બજાર છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બજારમાં પેઢી પોતાનું વેચાણ, પેઢી પોતાનું વેચાણ અને કિંમત છે એ કિંમત ઉપર કાબૂ રાખી શકે છે। ઘણી બધી બજાર એવી હોય કે ત્યાં પેઢી પોતાની વસ્તુના વેચાણ ઉપર અને કિંમત ઉપર કાબૂ રાખી શકતી નથી, પરંતુ આ બજારની અંદર હરીફ સામે બીજા કોઈ ઉત્પાદકો આપણને જોવા જ નથી મળતા। શું કામ? કારણ કે એક પેઢી પોતાનું પ્રભુત્વ એ બજારની અંદર જમાવીને બેઠી છે એટલા માટે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને એક એવી બજાર કે જ્યાં કિંમત અને વેચાણ પર કાબૂ સંપૂર્ણપણે પેઢીનો હોય છે, ગ્રાહકોનો નથી હોતો। પેઢી જ્યારે વિચારે, બજારમાં પેઢી જ્યારે વિચારે ત્યારે જ અને ધારે ત્યારે જ વેચાણ કરી શકે છે અને પેઢી પોતે કિંમત ઉપર કાબૂ રાખી શકે છે। કોઈ પણ એક પેઢી હોય અને એ પેઢી જે વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરતી હોય તેવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન, તેવી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન બીજી કોઈ પણ પેઢી ન કરતી હોય તો પરિણામે ગ્રાહક ફરજિયાત તે વસ્તુ ખરીદવા માટે આવવાના જ છે। ત્યારે પેઢી તેનું વેચાણ કરવું કે ન કરવું તે પોતે નક્કી કરે છે અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જ પેઢી
किंमत कई रीते लेवी, केवी रीते लेवी अथवा तो केटली राखवी, तमाम काबू पोताना हाथ में, चाबू पोताना हाथ में राखे छे। तो आवी रीते इजारावाला बजार में संपूर्णपणे वर्चस्व पेढ़ीना मालिकोनु, पेढ़ीना वेपारीओनु जोवा मळे छे। पछीना पॉइंट पर आपणे वात करीए तो असामान्य नफो। विद्यार्थी मित्रों, इजारावाला बजार में उत्पादक के वेचनार एक ज होय छे, उपरांत आ बजार में नवी पेढ़ीओ प्रवेश बंद होवाथी इजारादार टूंका गाळा में तेमज लांबा गाळा में कोईपण हरीफाई वगर असामान्य नफानी स्थितिनो लाभ लई शके। अहीं वस्तुनी वेचनी किंमत ऊंची राखी शकता होय छे, जेथी करीने सरेराश खर्चनी ऊंची किंमत राखी नफो मेळवी शकाय। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे अपनी जेवी वस्तुओनुं उत्पादन बीजी कोईपण पेढ़ी न करती होय त्यारे बजारनो तमाम लाभ आपणे लई शकीए छे, अने ए ज लाभ साथे पेढ़ी टूंका गाळा माटे अथवा तो लांबा गाळा माटे ज्यां सुधी कोईपण पेढ़ी प्रवेश न करे त्यां सुधी मोटामां मोटो नफो प्राप्त करी शके छे। अने पेढ़ी जे किंमत नक्की करे ए किंमते फरजियात तमाम ग्राहकों ते वस्तु खरीदवा माटे आवशे। एटला माटे विद्यार्थी मित्रों, असामान्य नफो गणतरी धारणा बारनो नफो इजारावाला बजारमां पेढ़ीओ कमाती होय छे। त्यारबाद किंमत भेदभाव। विद्यार्थी मित्रों, एकज पेढ़ी बजार में कार्यरत होय छे अने तेनी सिवाय बीजी पेढ़ी त्या अस्तित्व में होती नहीं, एटला माटे वखतो वखत समयांतरे किंमतनी अंदर वारंवार भेदभाव जोवा मळे छे। कारण के विद्यार्थी मित्रों, वेचनार किंमत नक्की करनार होवाथी हरीफाईनुं तत्व जोवा मळतुं नथी। अहींया विद्यार्थी मित्रों, किंमत कोण नक्की करे छे? पेढ़ी, हरीफाई नथी, एटला माटे पेढ़ी ज पोतानी वस्तुनी किंमत नक्की करे छे। एटले ए ज पेढ़ी तमाम तकनो लाभ लेवा माटे वस्तुनी जुदी जुदी किंमते वस्तुनुं वेचाण करवानुं विचारशे अथवा तो वस्तुना जुदा जुदा उपयोग अनुसार जुदी जुदी किंमत वसूल करशे। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे संपूर्णपणे वर्चस्व पण आपणुं होय, मोनोपोली पण आपणी होय अने आवडत कला कौशल्य संपूर्णपणे आपणे भरपूर व्यवस्थानी अंदर एक बजारमां वेपार करवा माटे जईए त्यारे हरीफाईमां सामे कोईपण न होय त्यारे विद्यार्थी मित्रों आपणे किंमतनी अंदर वारंवार किंमतमां वारंवार भेदभाव थाय छे अने ए भेदभावने कारणे पेढ़ी क्यारेक वधारे किंमत क्यारेक व्याजबी किंमत आवा बधाय अखतराओ द्वारा वस्तुनी वेचाणमां वधारो करी अने वधारे पड़तो नफो कमावाथी आवुं बधुं करता होय छे। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों, पेढ़ी ए ज उद्योग। हकीकते विद्यार्थी मित्रों, बजारमां आपणने जे एक ज पेढ़ी जोवा मळे छे ते ज पेढ़ी उद्योग तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आवुं शा माटे? कारण के बजारमां आपणने जे पेढ़ी जोवा मळे छे ते ज पेढ़ी ते ज वस्तुओनुं उत्पादन करती होय छे। ते पेढ़ी बीजा पासेथी मेळवे, बीजा तीजा पासेथी मेळवे एवुं होतुं नथी। पेढ़ी ज पोते वस्तुओनुं उत्पादन करती होय छे अने पेढ़ी पोते ज वस्तुओनुं उत्पादन करी अने तेनुं वेचाण ग्राहकने सीधे सीधुं ज करती होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आवी रीते आपणने पेढ़ी ए ज उद्योग तरीके जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे इजारानी व्याख्याओ अने तेना जे लक्षणो छे ए लक्षणो विषे अभ्यास कर्यो। तो आ अभ्यास उपरथी विद्यार्थी मित्रों तमने ख्याल आव्यो हशे के इजारो कोने कहेवाय। तो आपणे सामान्य शब्दोमां इजाराने याद राखवो होय तो आपणे आटलू कही शकीए के बजारमां एक ज पेढ़ी होय, बजारमां पेढ़ी केटली होय? एक ज पेढ़ी होय। पेढ़ी पोतानुं प्रभुत्व जमावेलू होय, पोतानुं वर्चस्व जमावेलू होय अने ए ज वर्चस्व द्वारा पोतानी पासे कंईक एवी मोनोपोली होय, ए ज मोनोपोली द्वारा ग्राहकोने वस्तुओनुं वेचाण करी अने पोते जे धारे ते किंमते वेचाण करे અને ધારે ત્યારે તેનું વેચાણ કરે તો તેવી બજારને ઇજારાવાળી બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ઇજારાવાળી બજાર વિશે જે અભ્યાસ કર્યો, હકીકતે આજના વર્તમાન યુગમાં લગભગ આવી બજારો
आम तो नहिवंत अथवा तो ओछी जोवा मळे छे। कारण के आजना आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला युग में एक ज सरखी वस्तुओनु वेचाण करनार पेढ़ी बजार में घणी बधी जोवा मळे छे। हरीफाई पण बजार में आपणने घणी बधी जोवा मळे छे। क्यारे आपणने शुद्ध इजारो जोवा मळतो नथी, अशुद्ध इजारो ज जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हालनो अभ्यास आपणे अहींया सुधी राख्यो छे अने हवे पछीना आगळना अभ्यास में आपणे इजारायुक्त हरीफाई आ वर्गीकरण विषे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना वीडियो लेक्चरना माध्यम द्वारा आजे आपणे जे अभ्यास कर्यो छे ए अभ्यासने अंतर्गत तमने जे प्रश्न आपवामां आवे ते प्रश्नना जवाब तमारे मने लखी मोकली आपवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न एक ज छे अने ए प्रश्ननो जवाब तमारे विस्तारपूर्वक लखवानो छे। इजारो एटले शुं? इजारानी बन्ने व्याख्याओ जणावी इजाराना तमाम लक्षणों विगतवार जणावो। तो विद्यार्थी मित्रों, हालनो अभ्यास आपणे अहींया सुधी राखीए छीए।